कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन भी है। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत घटना भी मान सकते हैं आप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप भूत प्रेत या फिर ऐसी कई अलौकिक घटनाओं पर अगर यकीन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। टेक्सास की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला जिसका नाम एलिस पो है, वो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हैं क्योंकि उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई थी जिससे आज भी लोग यकीन नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने इस घटना को बताने के लिए सोशल मीडिया पर आकर वो अपनी इस घटना को बताई है। जो एलिस पो है, इनका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एलिस का कहना है कि उसे 3 भूतों ने बचाया था। तो अब आप कहानी में सुनेंगे कि जो ये 3 भूत हैं उसे कैसे बचाते हैं और इनका बॉयफ्रेंड के साथ इनका क्या ऐसा बात था कि क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण 3 भूत इसे बचाने पर आ गए। एलिस का जो बॉयफ्रेंड है वो उसे मारने की कोशिश करता है और एलिस को कम से कम 15 से 16 चाकू मार चुका होता है और सोचता है कि एलिस मर चुकी है और उसे वो वहीं छोड़कर चले जाता है। जब एलिस बुरी तरह घायल होकर जब जमीन पर पड़ी हुई होती है तो उसे एक परछाई दिखती है, मतलब 3 लोग उस परछाई में नजर आते हैं उसे और वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उसमें से एक जो होती है लड़की, वो उसके बॉयफ्रेंड की पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है और एक एलिस की दादी होती है और एक एलिस का दोस्त होता है जो मर चुका होता है। एलिस का कहना है कि जब वो आते हैं तब वो किसी परछाई की तरह दिख रहे होते हैं और जो एलिस का मोबाइल होता है वो उसके पास से दूर गिरा हुआ होता है। तो एक जो आत्मा होती है, जो मतलब परछाई होती है, जो उसके बॉयफ्रेंड की पहली वाली जो गर्लफ्रेंड होती है, वो अपना उस मोबाइल को एलिस के पास पहुंचाने में मदद करती है ताकि एलिस पुलिस को फ़ोन कर सके। उसके बाद उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और एलिस पुलिस को फ़ोन करती है। उसके बाद एलिस जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो एलिस बताती है कि उसकी जान 3 भूतों ने बचाई है, लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है। जब एलिस हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आती है, उसके बाद से उसे कम से कम 50 से लेकर 100 ऐसी परछाई दिखने लगी है और वो उसके साथ एक खास संपर्क में आती है। जैसे कि भूत प्रेत के जो निकलने का वक्त होता है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का होता है और ऐसे ही कुछ खास समय है जिस समय में एलिस को ये चीज़ें दिखाई देती है। ये सब बातें एक अलौकिक शक्तियाँ के अस्तित्व और नए सवाल पर खरे नहीं उतर रहे। कई लोग इसे मान भी रहे हैं और कई लोग इसे नहीं मान रहे हैं क्योंकि ऐसी बातें हैं जो अलौकिक हैं, जिनका आज तक दुनिया में कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है। लेकिन ये ऐसी कहानियाँ हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।